Hello, children. Welcome to English class. Children, today we will learn one new chapter that is a special gift. Children, in our home, when uh, any celebration comes, uh, what we will do? We all will be happy and we all prepare our home very uh, nicely. We will prepare all kinds of preparations we will do at home know then we all help each other you know? when celebration comes sir, all will be happy so like that one celebration is here in this chapter let us see what kind of celebration is going to happen here okay so now let us read the chapter that is a special gift Little woman is a delightful story about the March sisters Meg, Joe, Beth, and Amy. Means here in a family there are four children. The names of the children, na uh, the name of the children are Meg, Joe, Beth, and uh, Amy. In this excerpt, we read about how the march family find time for joy and thanksgiving despite their problems and celebrate a joyous Christmas. That means what we will see in this chapter. How do they celebrate Christmas in spite of their all their प्रॉब्लम्स दे हाव लॉट ऑफ़ प्रॉब्लम्स एट होम बट इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स हाउ डू दे सेलिब्रेट ए जॉयस क्रिसमस कैसे उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अपने ज़िंदगी में ये ये प्रॉब्लम्स के बावजूद भी है ना ये प्रॉब्लम्स जिंदगी में है उसके बावजूद भी उन लोग अच्छा अच्छा सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेट कैसे करता है हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में ठीक है As Christmas neared, there was an air of excitement in the house. Now, Christmas is near, very few days are left. So, so much excitement was there in the house as if this was going to be an unusually happy Christmas for all of them. Means, if the, when, when we see their preparations and all may, means we feel that it is this Christmas is something unusual. Christmas is going to happen here. Joe and Laurie, their next next door neighbor, Laurie is their neighbor, ran about mysteriously and could be heard laughing beyond the hedge. द हेड मीन्स द बुशेस आर देर नो मीन्स द रॉ ऑफ बुशस सर्विंग इन द फ्स ये फेंस हम लोग बनाते हैं ना जो कोई कोई घर पे, कोई ये क्रीपर जैसे ये फेंस ये चारों तरफ ये जाली आयन का जाली बांध के उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ ये पौधाएम चढ़ाते हैं है ना उसको फेंस कहते हैं हम तो वहाँ पे उसी साइड से उन लोग आके ये घर में एकदम सीक्रेटली मिस्टीरियसली मैंने ये रहस्यात्मक ना सीक्रेटली उन लोग आके ये ये उन लोगों का लाफिंग का साउंड सुन रहे ठीक है ठीके? उतना ही समझना मतलब चुपके चुपके उन लोग क्या घर पे हो हो रहे उन लोग देख रहे हैं ठीक नाउ व्हेन क्रिसमस डे केम एट लास्ट

mr march had written that he would soon be with them while beth felt well enough to sit by the window means here mr march who will be mr march the head of the family their father hmm? papa had written what that he would soon be with them jaldi jaldi se jaldi unlo um, papa उनके साथ आएंगी वाइल बेथ फेल्ट वेल इनफ टू सिट बाय द विंडो मींस बेथ वन ऑफ देयर सिस्टर फेल्ट वेल इनफ टू सिट बाय द विंडो अभी वो थोड़ा सा बीमार थे अभी थोड़ा सा उसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो विंडो के वहाँ पे बैठ रही है रैप्ड इन द ब्राइट रेड शॉल मदर हैड गिफ्टेड हर कैसे बैठती है ये मम्मी ने उसको गिफ्ट दिया है एक रेड शॉल उसको इसे कवर करके शरीर को पूरा ढक के वो विंडो के वा, वा, सामने बैठ रही है देखो यहाँ पे आप लोगों को बुक में दिया हुआ है वही देख लीजिएगा ये विंडो के वहाँ पे वो कैसे बैठ रही है देखिए वो रेड वाला शॉल पहन के वो बैठ रही है ना देन एंड इन द गार्डन स्टूड ए ब्यूटिफुल स्नो मेडन दैट जो एंड लॉरी हैड मेड वो खिड़की से देखने में उसको क्या दिखाई देता है ए ब्यूटिफुल स्नो मेडन एक स्नो का डॉल वहाँ पे दिखाई दिया है वहाँ पे कड़ा कर, कड़ा करते हुए उन्होंने देखा है वो किसने बनाया है जो एंड लॉरी बनाया वाला है एंड देन दे गैदर्ड इन द पार्लर टू ओपन देयर प्रसेंस उसके बाद उन्होंने कहाँ गैदर किया है कहाँ में इकट्ठा हुआ हुआ है पार्लर में पार्लर मीन्स यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ द मीनिंग इट्स अ गेस्ट रूम कि जहाँ गेस्ट आएंगे तब तो उसको बिठाने का जगह है पार्लर उसको पार्लर कहता है ठीक है तो सब कोई ये इस दिन में सब कोई पार्लर में इकट्ठा होकर अपना अपना गिफ्ट खोलने के लिए आए हैं ठीक आई थिंक दिस इज़ द Best Christmas. Who said this one? I think this is the best Christmas ever. Said Joe, hugging the storybook she had always she had always wanted, and waiting for a chance to read it in the attic. Joe ne kya kaha hai? I think this is the best Christmas ever. अभी तक इतना अच्छा क्रिसमस नहीं हुआ है तो मुझे लग रहा है ये क्रिसमस एकदम सबसे बेस्ट होगा ये जो बताया है हगिंग द स्टोरी बुक उनके हाथ में क्या था उसका हाथ में अपने उसको जो स्टोरी बुक था शी हैड ऑलवेज वॉन्टेड एंड वेटिंग फॉर ए चांस टू रीड इट इन द एटिक उन्होंने ये स्टोरी बुक अपने हाथ में पकड़ा है उसको हमेशा ये स्टोरी बुक पसंद करती है तो उन्होंने क्या, उनको क्या चाहिए वो जल्दी से जल्दी वो वेट कर रही है क्या अकेले वेट कर रही है ऊपर का कमरा में जो हम लोग बोलते हैं ना ये एटिक मैंने ये अठारी है ना जो ऊपर एक कमरा होता है कोई कोई घर पे तो वहाँ जाके चुप के बैठ के उसको ये स्टोरी बुक उसको पढ़ना है और उस इसके लिए वो इंतज़ार कर रही है कब इसका ये, ये प्रेजेंटेशन वगैरह खोल के देख के इसको भागना ही है आई थिंक सो टू एडेड एमी एमी ऑल्सो वाट्सड मुझे भी वैसे लग रहा है ये दिस इज़ द बेस्ट क्रिसमस स्टारिंग एट द फ्रेम्ड पिक्चर हर मदर हैड गिवन हर उसके हाथ में क्या था ये एक फ्रेम पिक्चर मिला है उसका मम्मी ने उसको दिया है वो उसको लेके वो चिल्ला के एकदम ये बताया है देन आई एग्री सेट मैग मैग भी बताया है आई डू एग्री स्मूथिंग डाउन द सॉफ्ट ऑफ हर फर्स्ट सिल्क ड्रेस उसको क्या गिफ्ट मिला है उसको ये सिल्क ड्रेस सबसे पहले वाला सिल्क ड्रेस इसको मिला है तो वो पकड़ के वो भी वो भी बोली आई आई एग्री मिस्टर लॉरेंस लॉरीज ग्रैंड फादर हैड गिफ्टड इट टू हैव ये सिल्क ड्रेस कहाँ मिला है मिस्टर लॉरेंस इस मिस्टर लॉरेंस लॉरीज ग्रैंड फादर का दादाजी ने दिया वाला गिफ्ट है ये मैग का ड्रेस ठीक है देन एंड आई डू टू सेट मदर मम्मी भी बताया है मैम भी एग्री कर रही हूँ आप लोगों के साथ ये क्रिसमस सबसे अच्छा होगा सेट मदर लुकिंग फ्रॉम बेथ्स स्माइलिंग फेस टू मिस्टर मार्च लेटर इन हर हैंड मम्मी क्या कर रही है मम्मी पपा का लेटर पढ़ रही है वो पढ़ के बेथ को बत्त का चेहरा देखे एक स्माइल करके बताया है मे बी एग्री कर रहे हैं ओह वाट ए वंडरफुल क्रिसमस इफ़ ओनली फादर वर हियर माय हैप्पीनेस वुड बी कंप्लीट साइड बेथ बेथ ने क्या कहा है अगर पापा भी हमारे साथ होता तो कितना अच्छा क्रिसमस होते उसका ये बोल के साइड बेथ मतलब मॉन बेथ मीन्स सॉरी साइड मीन्स मॉन मीन्स विलाप करने मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा रोने लगी मम्मी से बोल के एस जो कैरीड हर ऑफ टू द स्टडी टू रेस्ट फॉर ए वाइल आफ्टर द मॉर्निंग्स एग्जाइटमेंट मॉर्निंग में ये सब कोई तैयारी कर रहा था ना ये क्रिसमस एकदम अच्छा होगा बोल के तो वैसे ही लोग क्या किया है ए, ये जो कैरियड जो के हाथ में क्या था ए, उन्होंने ये अपना स्टडी रूम से आ रहे थे तो थोड़ा समय रेस्ट करने के लिए तो फिर क्या किया है वहाँ से वो आके जो स्टडी के लिए लेकर गया वो बुक पूरा उसको हाथ में ले के आया है एस जो कैरीड हर ऑफ टू study टू रेस्ट फॉर ए वाइल मतलब स्टडी रूम स्टडी करके अभी थोड़ा सा जाके आराम करेंगे सोच के वो स्टडी रूम से उठ के आ रही है then समाइम्स इन दिस वर्क ए डे वर्ल्ड things do happen as they do in the story books and what a comfort it is sometimes क्या होता है work workaday world means इसके मतलब साधारण ये ordinary ऑर्डनरी दिन जैसे न ये इसको ये मीन्स साधारण साधारण दिन जैसे लग रहे इसको ये दुनिया पूरा मतलब साधारण जैसे इसको चलता रहा है ना तो कभी कभी क्या होता है थिंग्स टू हैपन एज दे डू इन स्टोरी बुक्स एंड वॉट कंफर्ट इट इज़ मतलब ये स्टोरी बुक में कभी कभी कुछ दिखता है ना कुछ स्टोरी पढ़ता है उसका जैसे ये दुनिया उसको कभी कभी लगता था फॉर जस्ट एज द मार्च फैमिली हैड सेटल डाउन फॉर सम क्वाइट टाइम टुगेदर लॉरी ओपन द पार्लर डॉर एंड पॉप्ट हिज हैड्स इन वेरी क्वाइटली आई मीन्स उसी टाइम पे थोड़ा मतलब सब कोई पार्लर में आ गए अपना अपना कमेंट बोल दिया है क्रिसमस से कैसे होगा कैसे सब कोई ऐसे ऐसे बोल दिया है उसके बाद थोड़ा सा से सेटिल हो गया अपना अपने, -अपने जगह में बैठ के सेटिल हो गया है तब लॉरी ने क्या किया है पार्लर का डॉर ओपन किया है खोल दिया है एंड पॉप्ट हीज हैड पॉप्ड मीनस क्या कर दिया कर दिया है मतलब तो थोड़ा सा वो अपना हेड है ना अपना सिर थोड़ा बाहर निकाल दिया है फिर क्या किया इन हिस हेड इन वेरी क्वाइटली धीरे धीरे उसका पार्लर का दवा दरवाज़ा खोला फिर कोई आ रहे कि नहीं करके देखने के लिए उसका हेड बाहर कर दिया है हिस वेस फेस वॉश

His face was so full of excitement एकदम इसका चेहरा excitement हो गया है and his voice sounded so joyful और उसका आवाज़ एकदम खुश से कुछ एकदम खुशी है उसका चेहरा में और उसका आवाज़ में और उन्होंने क्या बो बताया that everyone was startled मतलब ये उसका खुश सब देख के सबको ही मतलब कुछ कुछ सरप्राइज़ दे रहे करके सबको ये इसे कांपने लगा डर के बारे में कुछ से दो ही ओनली हियर इज अनदर प्रेजेंट फॉर द मार्च फैमिली उन्होंने क्या कहा है यहाँ मार्च फैमिली को दूसरा एक गिफ्ट आ रहा है ऑलरेडी उन लोग सबको ही अपना क्रिसमस का गिफ्ट खोलने के लिए पार्लर में इकट्ठा हुआ है है ना तब वो सब कोई थोड़ा सा सेटल हो गया तब लॉरी ने लॉरी वो नेबर हैं उन्होंने क्या किया है थोड़ा सा पार्लर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के बाहर देखे तब इनको एकदम सरप्राइज हो गया है वो सरप्राइज़ देखे उन्होंने उस सरप्राइज से इन्होंने बताया है यहाँ पे और हियर इज अनदर प्रसेंट फॉर द मार्च फैमिली यहाँ पे एक और प्रसेंट है मार्च फैमिली को एक और प्रसेंट है करके एक और एक और गिफ्ट है वो करके इन्होंने बताया है दैट वी विल सी अनदर डे सो हियर व्हाट यू लर्न इन दिस चैप्टर इन दिस हाफ ओनली वी हैव टेकन हियर ऑल आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड ऑल एक्सप्रेस्ड देयर ऑन फीलिंग्स इन द इन द इन दिस इयर्स दिस इयर हाउ हाउ दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट द क्रिसमस एंड हाउ डू दे फील अबाउट द क्रिसमस समथिंग इज बेस्ट इन देयर लाइफ एंड दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग एंड द सब से बड़ी बात क्या है उनका खुश के खुश के लिए सबसे बड़ी बात क्या है उनका पपा भी इस बार क्रिसमस के लिए आएंगे करके लेटर भेजा हुआ है तो सब कोई एक्साइटमेंट में है सब कोई खुश है तो सब कोई अभी पार्लर में जाके अपने अपने गिफ्ट खोलने जा रहा है तब ये लाउरी ने क्या कहा है एक और गिफ्ट है ये मार्च फैमिली के लिए एक और गिफ्ट है करके बताया है दैट गिफ्ट व्हाट इज दैट गिफ्ट दैट वी विल वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास ओके चिल्ड्रेन सो थैंक यू आई स्टॉप हियर